बड़ी खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र, बीजेपी विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव यहां पर लाया है। अलग अलग विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर यहां बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव लाया है। तो यहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, अलग अलग विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई और ऐसी वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। वहीं बीजेपी विधायकों ने इसी दौरान स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। चलिए इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज नायक सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी की ओर से स्थगन प्रस्ताव की खबर आ रही है, क्या अपडेट इस पर और क्या जानकारी? जी देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज पांचवा दिन है और अभी प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद जो शून्यकाल में जो है विपक्षी सदस्यों, भाजपा के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने जो है स्थगन भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जो है सदन में जो है स्थगन प्रस्ताव लाया। और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर शिवरतन शर्मा ने कहा कि यह सरकार जो है भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। शिक्षक भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, टेबलेट खरीदे में घोटाले हो रहे हैं, बीज जो खाद बीज की खरीदी है उसमें भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं। गरीब जनताओं के लिए जो योजना चलाई जा रही है वह बंद हो चुकी है। वहीं जो है सदस्य नारायण चंदेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की बात करते हुए स्थगन लाया। वहीं सौरभ सिंह ने पटवारियों पर आरोप लगाया कि वे खुलेआम जो है जो भी आवेदक जाते हैं उनसे जो है भ्रष्टाचार करते हुए रकम मांगते हैं। यहाँ तक के जो है पहले कभी मनरेगा में भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आती थी, रिश्वतखोरी की शिकायत नहीं आती थी, अब लेकिन जो है मनरेगा में भी जनपद कार्यालयों में पैसा लिया जा रहा है। इसके अलावा जो है बीज विकास निगम जो है बीज के काम छोड़कर जो है बाकी सारे काम करने में लगी हुई है। इसके अलावा जो है रेडी टू ईट का जो काम है और जो सामान सप्लाई का काम है उसमें भी भारी पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार हो रहे हैं। इसके अलावा जो है सदस्य रंजना साहू ने भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में काम नहीं होने और पीएम आवास योजना से गरीब लोगों पर वंचित होने का मामला उठाते हुए जो है स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन जो है सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया। और वहीं जो है विधानसभा अध्यक्ष ने भी स्थगन प्रस्ताव को अग्राह कर दिया है। जी मनोज, आपसे इस संबंध में एक और जानकारी ये लेना चाहेंगे कि जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार बहसबाजी हो रही है, कई मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरती नजर आ रही है, आज की क्या कुछ स्थिति रही, क्या प्रश्नकाल में आज भी जोरदार हंगामा यहाँ पर हुआ? जी निश्चित रूप से जो है मानसून सत्र में जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में कहीं ना कहीं जो है विपक्ष का भी काफी हमलावर है और खासकर जो है प्रदेश में जो बढ़ती कानून व्यवस्था है इसे लेकर जो है विपक्ष जो है सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, हत्या हो रही है और इसी को लेकर जो है विपक्ष ने जो है अविश्वास प्रस्ताव भी लाया हुआ है और इस पर जो है 27 मार्च को जो है चर्चा होनी है और इस दौरान काफी हंगामेदार स्थिति एक बार फिर देखने को मिल सकती है। चलिए बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका मनोज। तो आज भी यहाँ पर बीजेपी की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाया गया है और अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये आरोप बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर लगाया गया। यही वजह रही कि इन तमाम कारणों का आधार मानते हुए बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया है।